दोस्तों, आज जैसे ही मैं ऑफिस से वापस आया घर पे, तो मेरे घर पे जो है मेरे मम्मी जो मुर्गी पालते हैं उसमें से एक मुर्गी जो अभी सेल कर दिया और उन लोगों से कुछ वो चिकन जो है लेके आया। तो अभी आप लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस चिकन को जो है किस तरह से बनाऊं, क्या मिक्स करूं चिकन के साथ। आप देख सकते हैं चिकन ज़्यादा नहीं है मेरे वैसे, तो यही है चिकन, लोकल चिकन जो आप येलो कलर के जो देख रहे हैं वो एक है चिकन, एक देख सकते हैं चिकन। तो अभी मैं सोचा था कि ये जो रेडिश जो है मूली मूली मिक्स कर दूँ उसमें, तो इसलिए मैं जो है क्या कर रहा हूँ अभी मूली को छील रहा हूँ। मूली जो है लोग कहते हैं कि मूली मिक्स करने से बहुत ही डिलीशियस होते हैं, तो आज पता चलेगा। लेकिन डिलीशियस बनने के लिए भी यार वो भी डिपेंड करता है कि कौन बना रहे हैं। अगर जो बनाने वाला है अगर अच्छी तरह से बना सकते हैं और उनके हाथ में अगर जादू है तो बस हो गया। लेकिन क्या है कि इतने साल के बाद मैं बना रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि ये डिलीशियस होंगे या नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं है, आप चुपचाप इसको करते हैं, आप धुलाई कर दीजिए वो। मैं बस इसकी मूली को जो है ऊपर ऊपर ये छिलका जो है मैं हटा रहा हूँ। ओके, मूली का ऊपर ऊपर से ये जो छिलका जो है मैं हटा रहा हूँ। ओके, देख सकते हैं आज मैं जो चिकन खाते हैं, लेकिन शायद बनाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको, और क्योंकि उनको किस तरह से बनाते हैं वो पता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उनको इस वीडियो के थ्रू जो है दिखाना चाहता हूँ किस तरह से चिकन ये मूली के साथ मिक्स करके बनाते हैं। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो गया, तो हम देख सकते हैं ये मूली हो गया। दोस्तों देखो, इसमें मूली मेरे मम्मी जो है मूली धुलाई की है और अभी उसको पीस कर रही है, आप देख सकते हैं। तो और फिर यहाँ पानी ऑलरेडी दिया हुआ है, पानी के अंदर में कुछ मूलियाँ अभी यहाँ रखी हुई है। दोस्तों इसमें प्याज है जो काफ़ी ज़्यादा है, एक पूरा पूरा एक प्याज मैंने काट के रखा है। दोस्तों ये है गार्लिक्स और चिल्लीज पेस्ट जो इसमें हमने किया है। इसको बस क्या करना है कि इसको पीचना है, इस तरह से पीसते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिटी में लोग क्या करते हैं, ग्राइंडर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर, तो इसमें ये ट्रेडिशनली पेस्ट बनाया जाता है। वैसे ये पूरी तरह से पूरा पेस्ट बना नहीं है फिर भी चलेगा। ओके, अभी दोस्तों ये चूल्हे के ऊपर ये कढ़ाई को डाल दिया ताकि इसमें हम लोग अभी ऑयल डालेंगे। दोस्त लोग जो जो देख रहे हैं ये कढ़ाई जो ना अभी पानी जो लगा हुआ था थोड़ा सा ये सूखने दे रहे हैं, जैसे ये सूख जाता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, हो जाएगा मम्मी इतना ज़्यादा, ये देख रहे हैं इसको अभी पूरी तरह गरम गरम करेंगे। आप देख सकते हैं इधर से, तो ये पूरा जैसे बॉयल होना शुरू कर देगा, और पूरी तरह अगर बॉयल हो जाता है तो इसके ऊपर में और हम लोग पेस्ट डालेंगे, चिल्लीज और गार्लिक्स प्याज वो सब कुछ डालेंगे। अब थोड़ा सा बॉयल हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी।
दोस्त देख रहे अभी वो दादी धुआं क्या धुआं बाबा निकल हुआ। रहा है। मैं थोड़ा सा इसको फ्लेम को कम कर देता हूँ। हो गया, अभी देख सकते हो ये पूरी तरह बॉयल हो गया। अब बारी है कि इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये प्याज का प्याज इसमें ये मैं प्याज ले रहा हूँ, अभी मैं डाल रहा हूँ। ओके, तो ये मैं डाल दिया। ओके, तो कुछ लगा हुआ है। डाल दिया इसको, थोड़ा सा कर देते हैं। प्याज भी थोड़ा ज़्यादा डाला है, थोड़ा एक प्याज पूरा काट के डाल दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। और अभी बारी है कि पेस्ट को भी थोड़ा सा कर देते हैं। पेस्ट देख रहे हो यार, चिल्ली गार्लिक्स, चिल्ली और गार्लिक्स का पेस्ट जो ये देखो मैं डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ अभी, इसमें और भी डालना बाकी है। इसमें अभी नमक डाला नहीं, तो नमक भी डाल देते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, ये है नमक, नमक नमक जो है थोड़ा कम डालते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी कह रही है कि थोड़ा सा नमक हल्की फुल्की होने से ठीक होगा, उसकी जो बीपी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा हो गया बस। तो इसको और अभी इसमें और हल्दी भी डालना भी बाकी है। देखो छोटा कर देते हैं मेरे दोस्त, अभी मैं हल्दी डालूँगा। ठीक है, हल्दी जो कि ये बहुत ऑर्गेनिक हल्दी होता है, लोकल में मिल जाता है, लोकल में हल्दी का खेती करते हैं। और फिर जो है ये पाउडर बनाते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक है, यहाँ मिल जाता है हल्दी। तो इसको फिर और मैं दोबारा इसको ये कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं फ्लेम कम करने में थोड़ा सा लेट हुआ है, इसलिए थोड़ा हल्की सी ये पेस्ट जो है प्याज थोड़ा सा जला हुआ लग रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना बढ़िया से बनाता हूँ मैं। ओके, आज लेकिन वो टमाटर नहीं है, इसलिए नहीं तो टमाटर इसमें मैं डाल देता हूँ। दोस्तों ये जो मूली जो हमने पीस किया, मम्मी ने पीस किया, इसको मैं अभी डायरेक्ट इसमें डाल दूँगा। हाँ जैसे, क्योंकि इसको पहले इसलिए डाला हूँ, ताकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेती है मूली। और जो चिकन जो है वो थोड़ा सा बाद में मैं डालूँगा। आप देख सकते हैं तो कलरफुल बन गया। और उसके बाद अभी पाँच मिनट तक इसको ऐसे रख दें। दोस्तों इसको ढकने के लिए ये लेके आया, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में सौरव बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से डाल डाल दें। 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा
फ्लेम कम हो गया, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 5 मिनट में। दोस्तों 5 मिनट तो ऑलमोस्ट हो गया, अपने को उठा के देखता हूँ क्या होता है, तो मैं स्टीर कर देता हूँ चम्मच से। अब जो है मैं क्या करूँगा, जो मीट है उसको, ये देख रहे हो ये अंडा है, उसको भी मिक्स कर रहे हैं। ये देख रहे हो, इसको पूरा पूरी तरह से इसको मैंने मिक्स कर रहा हूँ। अभी देखो इस तरह से ये हो गया, गिर गया इसकी। अब तो जब भी इस तरह का सब्जी हो या फिर मीट मछली जो भी बनाना है, तो आप कितना बनाएंगे तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, ये पेस्ट बनाना है या फिर ऑयल डालना है या जो भी चीज़ जरूरी है राइट अमाउंट में डालना है ताकि टेस्ट सही बने। ओके, तो ये इतना से क्या करेंगे मैं इसको इस तरह से रख दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा इसको, इसमें ढक्कन को इस तरह से रखूँगा। दोस्त ये जो बर्तन जो है ना, मैं अभी वो धो के लेके आया और इसके अंदर में पानी देख रहे हैं आप। इस पानी को अभी मैं गर्म करूँगा, इसमें थोड़ा सा आग जला देता हूँ। और इसको बिता देता हूँ, यहाँ पे मैं बिता रहा हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं बिता दिया, तो ये जब उबलेंगे ना पानी जो है, तो ये गर्म पानी को मैं इसके अंदर में डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसको फ्लेम को बड़ा कर देता हूँ, अब देखता हूँ क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर दोबारा अभी इसको जो है ना ऐसे चम्मच के साथ जो है ना इस तरह से हिलाना पड़ता है ताकि ऊपर में इसको मैं फिर से हिला देता हूँ। हिलाने से क्या होता है, थोड़ा ये ऊपर वाला जो है ना नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ताकि मतलब वो पकने में थोड़ा टाइम जल्दी भी हो जाता है इस तरह से, और अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ अभी इस तरह से रख लेता हूँ। देखो इसमें मूली का दोस्त, अभी देखो किस तरह ये बन गया, और एक बार मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं अभी पक रही है धीरे धीरे, तो ये जो है अभी देख सकते हो, और इधर में देखो जो मैं पानी जो बर्तन ये बर्तन के साथ जो पानी बिता दिया ना, वो देखो कितना बॉयल हो रही है। ठीक है,
तो अभी मैं इस बॉयल पानी को इसमें डालूँगा। ओके, मैं इसको पहले फ्लेम को खत्म कर देता हूँ। अभी इसको तो ऐसे मैं हाथ से पकड़ नहीं सकता दोस्तों, ये देख रहे हो ये कपड़ा जो है ना, तो यहाँ पे कपड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसको पकड़ के सीधे पानी को इसके ऊपर में मैं डाल देता हूँ। ज़्यादा उबल गया ये उबल गया, और थोड़ा सा देखो, ये अगर ठंडा पानी में डालता ना तो इस तरह से ये उबलता नहीं, राइट। तो इसमें मैं पानी भी डाल दिया, पानी और थोड़ा सा मैं डाल सकता हूँ ताकि ये जो मूली है ना, ये मूली अच्छी तरह से पके, और तब तक जो टाइम लेता है ये पकने में, तो तब तक ये जो सूप जो बन के निकलेगा ना, तो ये सूप भी सूख ना जाए। ओके, और ये इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट अमाउंट में जो ना ये डालना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, फिर से ढक्कन डालना है। और ये जो ढक्कन क्यों डालते हैं, क्योंकि जो अंदर से हीट होके जो गैस मतलब जो इवापोरेट होता है ना, वो इवापोरेशन के दौरान जो भी गैस वो हीट क्या हीट से निकला हुआ गैस जो बाहर निकलते हैं, वो ये वापस नीचे में रख देता है ताकि वो पकने में और ज़्यादा इजी होता है और जल्दी भी हो जाता है। दोस्त, मैं अभी क्या डालने वाला हूँ मेरे इसमें, अभी देखते हैं, देखो इस तरह से हो रहा है। तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल ये जीरा पाउडर डालूँगा, ये जो देख रहे हो ना जीरा पाउडर, तो ये डालने से मतलब टेस्ट तो और ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो भी सब्ज़ी में अगर मतलब ये खुशबूदार चीज़ अगर हम डालते हैं तो सब्ज़ी में अलग से कुछ ये हो जो होता है ना आपका मतलब स्वादिष्ट ना होने का एक ये भी कारण होता है कि इस ये पाउडर जो ना थोड़ा सा, बल्कि ये पाउडर भी डाल देते हैं। ये देखो मैं डाल दूँ और भी डालता हूँ ये, ओके। अरे हम लोग अरे मज़ा आएगा यार, ये पूरी तरह पक गया, ये ग्रेवी ग्रेवी टाइप हो गया। तो ओके, लगने से यहाँ से और थोड़ा सा और इसको पानी डाल देते हैं ताकि सूप भी बने, थोड़ा सा सूप भी बने। मैं फ्लेम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेके टेस्ट करके देखते हैं। यानी कि ऐसे स्मेल किस तरह कैसा लग रहा है, स्मेल उसी से पता चलता है कि नमक हल्का हुआ है या नमक ज़्यादा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी मैं नमक भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं स्टीर कर देता हूँ।
नमक थोड़ा हल्का सा डाल दिया मैंने, तो ये देखो ये अभी पूरी तरह पका कि नहीं पका थोड़ा चेक करते हैं। ओके ये देखो ये यानी कि ये पक गया राइट, ये देखो ये पक गया, मूली पक गया यानी कि मीट भी पक चुका होगा अभी तक। ओके तो मेरे पास आज धनिया तो नहीं है, कोरिएंडर जो इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं, धनिया तो नहीं है इसलिए मैं धनिया डाल नहीं पाया, वरना मैं धनिया भी डाल देता राइट। तो ये अब हो गया, अभी इसको निकाल के खाना है। ओके